स्टेट बैंक के जखायर 11 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़ गए। स्टेट बैंक के जखायर बढ़कर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक और नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 2.88 रुपए का इजाफा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर तालुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में तआवुन बढ़ाने के लिए तआवुन पर गौर। मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक तालुकात को मजबूत करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हम मंसद शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफा तालुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कतर के तआवुन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी तालुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निमड़ने के लिए बाहमी तआवुन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा तनाज़े पर कतर के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवाने अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफर तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को बजात खुद पाकिस्तानी फनकारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम के चेयरपर्सन ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर-ए-आज़म को फनपारे दिखाए और नुमाइश के मुंतजमीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और उनकी हमशीरा का मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बायस फ़ख्र है। मंजर आर्ट गैलरी का क्याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे में मारूफ पाकिस्तानी मेमार नैयर अली दादा, पाकिस्तानी मुसव्विरों, फोटोग्राफर्स, खत्तात और दीगर फनकारों से मुलाकात की। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। खत नून लीग और इतिहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ करवाई। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। खत का मतन। अमेरिका का बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार से इजहार लातालुकी। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर बानी पीटीआई की रिहाई के सवाल पर तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पर फैसला भी पाकिस्तानी अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी आवाम के लिए है। बानी पीटीआई को ओहदे से हटाने या उनकी रिहाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान किसी के मामले में मुदाखलत करता है ना दखल अंदाजी पसंद करता है। हमारी अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। लंदन में हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज की तफसीलात मिल गईं। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कोई भी एहतजाज महजब अंदाज में होना चाहिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लॉबिंग की जाएगी। साजिश की जा रही थी पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफीन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब तरक्की कर रहा है तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं
चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं कि मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन वो तकरीब हल्फ बरदारी में बैठे हुए थे। मुखालिफिन अब बातें करने लगे हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है, वो बद तहजीबी करते हैं, कहते हैं मार दो जला दो। कारकर्दगी में मुस्लिम नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। हमारे मुखालिफिन हुकूमत में हों या बाहर, इनको फसादात की आदत है। अब वो ये नहीं कह सकते कि इनको हुकूमत नहीं मिली। भाई चुप करके बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में कभी नहीं आना। पंजाब में किसानों के लिए 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। स्मॉग एक अजदा है जो सर उठाता है। स्मॉग का मसला हल करने में कई साल लगेंगे। सुपर सीडर से स्मॉग में कमी आएगी। इमरान खान ने हमेशा तीन बातें की। उसने कहा खौफ के बुत तोड़ दो, दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो। इस बार फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, यकीन है मजबूर नहीं किया जाएगा, पहले ही मसला हल हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा खौफ के बुत तोड़ दो, जात से बाहर निकले बगैर अजीम नहीं बन सकते। जब तक फैसले खुद नहीं करेंगे, खुद मुख्तार नहीं होंगे। हमने ऐसा निज़ाम बनाया है कि आइन और कानून की पासदारी बालादस्ती हो। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, सूबे में तुलाबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ेकार तब्दील हुआ है। जो माहौल ख़राब हुआ वो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जचामान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया, पसंद और नापसंद के ज़रिए वो जुडिशरी को चलाते रहे। लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मुज़म्मत करता हूं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। इस तरमीम की बदौलत आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स अपने अमल का जवाब दे है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ये पसंद की बुनियाद पर निज़ाम चलाते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में काजी फायजीसा के साथ पेश आने वाले वाक्य की मुज़म्मत। कहा माफिया वो है जिसने काजी फायजीसा पर लंदन में हमला किया, ये गुंडागर्दी है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके। निजी कॉलेज के हवाले से जाली मां बनकर प्रोपेगेंडा करने वाली टिकटॉकर खातून गिरफ्तार। सारा खान को अदालत के बाहर से एससीआईए मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खातून पर थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डीआईजी इमरान कीश्वर ने कहा खातून ने खुद को निजी कॉलेज की तालिबा की मां जाहिर किया था, वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से वायरल करने का कहा था।